क्लास ट्वेल्व एंड टूडे वी विल रीड द चवैप्टर द गिटार प्लेयर एंड स्वयंबर दर्ड चैप्टर ऑफ योर पैनोराम बुक एंड दीज आर टू शॉर्ट स्टोरीज दैट मेकस टू इंट्रोड्यूस द फ्राम द फेमिनिस्ट फेबल फेमिनिस्ट फेबल नाम की एक बुक थी जिसकी राइटर थी सुनीति नाम जोशी इनकी लिखी हुई एक बुक थी इस बुक में से दो चैप्टर्स ये इंक्लूड किए गए हैं और ये दोनों स्टोरीज जो है uh, पेट्राकन सोसाइटी में रहते हुए द कंडीशन ऑफ वुमेन डिपिक्ट करती है कि आ, हमारी जो सोसाइटी है भारतीय समाज जो है वो किस प्रकार का है यहाँ पर सिर्फ जो पुरुष होते हैं पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा कि हमेशा प्रायोरिटी मेल्स को बॉयज़ को पुरुषों को ही प्र, प्रायोरिटी दी जाती है जबकि फीमेल कई फीमेल्स ऐसी होती जो बहुत टैलेंटेड होती है लेकिन उनके टैलेंट को देखा भी नहीं जाता है तो इतना मतलब इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो हम यही स्टोरी टाइम वेस्ट करने से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी को सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इट इज़ अबाउट द राइटर वॉज बट लेफ्ट शी वॉज बोर्न इन इंडिया बट शी वॉज लेफ़्ट इन कैनेडा वे आर शी लिव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स कई साल कैनेडा में रही थी इंडियन थी करेंटली शी लिवस इन यूके अभी वो यूके में रहती है शी हेज़ पब्लिश नू मेरीज पोएम उन्होंने कई पोएम्स लिखी है कई फेबल्स फेबल्स मतलब छोटी छोटी कहानियाँ शिक्षा प्रद आर्टिकल्स और भी रिव्यू कई न्यूज़पेपर्स में भी उन्होंने लिखा है उनकी कुछ फेमस बुक्स थी जिनमें से थी द कन्वर्सेशन ऑफ काव अदिति वन आइड मंकी ब्लू डोंग की फेबल्स बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स ये सारी थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम सीधा स्टोरी पे आते हैं तो फर्स्ट वन इज़ द गिटार प्लेयर अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एक लड़की गिटार बजा रही थी अपने घर के बाहर की तरफ बैठकर तो उस गिटार को किसी ने सुना इट सो हैपन दैट सम वन पासिंग बाय लिसन डेंड फेल इन लव विद हर सुना उसने किसी ने गिटार को और उस लड़की से प्रेम कर बैठा इज इट माई म्यूजिक तो वह लड़की पूछती है उससे कहा होगा जाके कि भाई तुम बहुत अच्छी हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो उस लड़की ने क्वेश्चन पूछा एक इज इट माई म्यूजिक यू लव मेरा म्यूजिक अच्छा लगा तुम्हें या फिर मैं और मी द म्यूजिक कंटिन्यूड म्यूजिक तो कंटिन्यू होता रहा लेकिन जो प्यार था उस लड़के का वो एक फाउंटेन की तरह एकदम से निकला और फिर गिर गया कम हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया सो वाटर फ्रॉम फाउंटेन रोज इन टू एयर एंड फेल अवे द लिसनर थॉट हार्ट लिसनर जो सुनने वाला था म्यूजिक जिसने कहा मुझे प्रेम हो गया है वो सोचा उसने थोड़ा और फाइनली कहा आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि तुम ज़्यादा अच्छी हो या तुम्हारा म्यूजिक वॉट इज द राइट आंसर क्या पता क्या आंसर सही है शर्ट आई टेल यू बाद में बता दूँ रिप्लाईड द गर्ल बट दैट्स नॉट इट कि ऐसे थोड़ी होता है शी वेंट ऑन प्लेइंग और वो प्ले करती रही सोन अनादर पासअब आई हैपन टू सी हर्ड एंड फेल इन लव फिर से एक और दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकला और उसको भी उस लड़की से प्रेम हो गया उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछा इज इट मी यू लव और माई गिटार क्या है मैं मुझसे प्यार करती हूँ या गिटार से द सेकेंड पासअब बाय स्टेयर्ड एट द गिटार वो गिटार को ही देखता रहा स्माइल्ड एट द गर्ल गर्ल की तरफ स्माइल की एट लास्ट वेंचर्ड और अपना एक वेंचर्ड मतलब इकट्ठा करना साहस इकट्ठा करके बोला वेल आई डोंट नो मुझे नहीं पता इसका आंसर इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का राइट right आंसर मुझे नहीं पता बट शी जस्ट सेट दैट इट ये कोई ऐसे कोई आंसर नहीं होता है एंड वेंट ऑन प्लेइंग फिर से गिटार बजाने लगी द टू पास व ग्रेटली पर्प्लेक्सड का मतलब है पजल्ड परप्लेक्स ठीक है अच्छा वर्ड है ना परप्लेक्स्ड कन्फ्यूज सो टू पासअबाइज व ग्रेटली परप्लेक्स एट लाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स वो गिटार का म्यूजिक उनके सर में घूमता ही रहा वेन दे रिटर्न नेक्स्ट डे अगले दिन वो आए अपने आंसर्स याद करके Perfectly obvious that they had both पूरा अपने ऊपर विश्वास था उनको perfectly obvious मतलब विश्वास था आपके में हमारा आंसर बिल्कुल सही है they both had prepared their speeches अपनी अपनी स्पीच तैयार करके आए और कहते हैं first वाला पहले declare करता है declare the first I would love you even if you could not play a note of music मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम ऐसे music नहीं बजा पाओ तो भी and सोर द सेकेंड वन दूसरा वाला सोर कसम खा के बोलता है आई वुड लव यू इवन इफ यू डज नॉट ओन अ गिटार तुम्हारे पास गिटार नहीं भी होगा ना तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाई द गर्ल अब गर्ल कहती है दोनों का आंसर पसंद नहीं आया दोनों का ही आंसर सही नहीं लगा उसको क्यों बिकॉज आई एम अ म्यूजिशन विच मी डू यू लव कौ, कौन सी वाली मैं पसंद हूँ तुम्हें क्या मैं मेरे म्यूज़िक के साथ पसंद हूँ या फिर मैं अलग पसंद हूँ म्यूजिक अलग है इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई एट ऑल अगर मेरे म्यूज़िक तुम्हें पसंद ही नहीं है ओह दे सेट डिड वी गिव यू रॉन्ग आंसर क्या हमारा आंसर रॉन्ग है येस रिप्लाइड द गर्ल वेल वॉट इज द राइट आंसर तो फिर राइट right आंसर क्या है इसका You must love me all together just as I am, all my gifts, all my possessions, everything. I have been and ever shall be from now on. But that's impossible. They cried out. Toilergi कहती है अच्छा एक बात कहूँ You must love me altogether. तुम दोनो ही मुझसे प्रेम कर लो. चलो मुझे तो दोनो अच्छे लगे दोनों ही प्रेम कर लो मुझसे जस्ट एज आई एम जैसे भी मैं हूँ दोनों जनों साथ में प्रेम कर लो ऑल माई पोजिशन एवरी थिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ तो दोनों ने कहा बट दैट्स इम्पॉसिबल ऐसे कैसे हम दोनों से कैसे तुम प्रेम कर सकती हो दे क्राइड आउट टुगेदर एक साथ चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं Yes, एग्रीड द गर्ल एंड चूज अ सैड लिटिल टून टू सूट the ओकेशन उसने कहा हाँ हाँ ठीक है जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें आंसर पता नहीं है तुम मेरे म्यूज़िक को अलग कर रहे हो मुझसे तो मैं तुम दोनों को साथ में करती हूँ तुम दोनों ही मेरे साथ आ सकते हो तो दोनों गुस्सा हो जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं ये सैग्रेट द गर्ल एंड चूज़ अ सैड लिटिल टोन टू सी दी ओकेशन और वो एक सैड ट्यून बजाना शुरू कर देती है अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही होगा वट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू सो वॉट वॉज द आंसर शी सैड यू मस्ट लव मी ऑल टूगेदर जस्ट आई एज आई एम माई गिफ्ट माई पोजेसन माई पैशंस एंड एवरी थिंग इन मी इसका मतलब है कि आपको जो है जितना भी मेरा पैशन है जो भी मेरा शौक़ है मेरा जो टैलेंट है उसके साथ मुझे पसंद करना चाहिए आप लोग तो कह रहे हो कि तुम म्यूज़िक नहीं बजाओगी तो भी हम तो तुमसे प्यार कर लेंगे तो मतलब मेरे टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है आपको है ना तो आई थिंक ये समझ में आई होगी स्टोरी अब हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फाउंटेन आप जानते हैं जो फंवारा होता है आ, स्टेयर्ड लुकड घूर कर देखना वेंचर्ड ताकत डेयर करना है ना ताकत बटोरना परप्लेक्स मैंने बताया कन्फ्यूज बी वाइल्ड ऑब्वियस ईजी टू सी योर अंडरस्टैंड एंड क्लियर साफ साफ possessions बिलोंगिंग्स ठीक है पोजेशन यहाँ पे क्या थी लड़की का पोजेशन था उसका टैलेंट जो वो गिटार बजाती थी अब नेक्स्ट देखते हैं स्वयं वर अब स्वयं वर इसमें दो शब्द छुपे हैं स्वयं मतलब खुद वर मतलब पति तो स्वयंवर ये प्रथा होती थी पुराने ज़माने में कि जो लड़कियां हैं उनको अधिकार दिया जाता था कि वो अपनी पसंद का वर चुन सकें तो ये स्वयंवर है एक लड़की का क्या होता है देखिए वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस एक छोटी राजकुमारी थी हु वॉज गुड एट विस्लिंग जो सीटी बहुत अच्छी बजाती थी सीटी बजाते हैं ना आप बजा सकते हैं सीटी मैं बजा सकती हूँ बजा कर

कई साल बीत गए शी बिकेम अमेन बड़ी हो गई लड़की बट दिस टाइम शी विशल्ड ब्यूटीफुली लेकिन अब बहुत अच्छे से सीटी बजाती थी हर पेरेंट्स ग्रीव्ड लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ग्रीव्ड होते थे दुखी होते थे है ना दुख होता था उनको कि ये ऐसे क्या है इसका ये क्या शौक़ है सीटी बजाने का वट मैन विल मैरी यू विस्लिंग अ वूमेन कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो एक सिटी बजाने वाली औरत से शादी करेगा सेड हर मदर डोल फुली डोल फुली मतलब डोल फुली दुख के साथ दुख के साथ कहती कि कौन शादी करेगा तुमसे तो तुम्हें कोई खूबी नहीं है सिर्फ सीटी बजाती हो तुम वेल सेड हर फादर उसके पापा कहते हैं ऐसा करते हैं इसका भी कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर देते हैं वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट आई विल ऑफर माई हाफ किंगडम ऐसा करता हूँ मेरा हाफ किंगडम दे देता हूँ मैं ऐसा प्रोक्लेम कर देता हूँ ऐसा मैं घोषणा कर देता हूँ कि जो भी इस प्रिंसेस को सीटी बजाने में हरा देगा उसके साथ मैं प्रिंसेस की शादी करूँगा और मेरा आधा किंगडम दे दूंगा तो हो सकता है आधे किंगडम के लालच में आधे राज्य के लालच में कोई इससे शादी कर ले द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम प्रोक्लेम मतलब घोषणा करवा लिए ठीक है एंड सोन द प्लेस वॉज जैम्ड जल्दी ही जो उनका जो पैलेस था वो पूरा उसमें जाम लग गया बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई क्राउडेड हो गया वे विद द शूटर्स विस्लिंग जो बहुत अच्छी सीटी बजाने वाले कई लड़के आए वहाँ पे इट वाज वेरी नॉइजी सब सीटी बजा रहे थे और बहुत नॉइजी था मोस्ट वर टेरिबल कुछ तो बहुत ही भयंकर सीटी बजा रहे थे एंड फ्यू वर गुड कुछ अच्छे भी बजा रहे थे बट द प्रिंसेस वर बेटर एंड बीट देम ईजिली लेकिन प्रिंसेस तो इतनी अच्छी सुरीली सीटी बजाती थी कि आराम से सबको बीट कर दिया हरा दिया द किंग वॉज डिस राजा जो है वो बहुत डिसप्लीस्ड हो गया दुखी हो गया बट प्रिंसेस से कहता है उसको समझ में नहीं आया किससे शादी करूँ किसने हराया तो प्रिंसेस कहती है नेवर माइंड फादर नाउ लेट मी सेट टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ मैं सबका एक बात कहूंगी देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है सबका एंड परहैप सम गुड विल कम आउट हो सकता है हमें कुछ अच्छा मिल जाए इससे देन शी टर्न टू द स्यूटर्स जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे ना जो अच्छी सिटी रहे थे उनकी तरफ मुड़कर कहती है डू यू नो दैट यू वो बीट एंड फेयरली कहती है तुम सबको मैंने हरा दिया ये सब तुम जानते हो ना नो देोल रोड सॉरी सॉरी कह नहीं भाई नहीं 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 तुमने कैसे कैसे हमने कैसे हरा दिया एक लड़की होके हमें कैसे घर आ सकती है सीटी बजाने में तो सब लोग नो बोल रहे थे एक्सेप्ट वन लेकिन एक आदमी था वहाँ पे एक लड़का था जो कहता है वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक बट वन सेट एक जने ने कहा ये तो कोई मैजिक था जो तुमने किया बट वन सेट यस यस एक लड़का कहता है हाँ हाँ He said I was beaten fairly. मुझे तो बहुत ही बुरी तरह तुमने हरा दिया The princess smiled. Princess जो है smile करती है और कहती है अपने पापा से She pointed to this man. उस व्यक्ति की तरफ जिसने कहा ना हाँ तुमने मुझे हरा दिया उसकी तरफ point करके कहती है If he will have me, क्या इससे इसको मैं मिल सकती हूँ I will marry him. मैं इससे शादी करूँगी। <laughs> Question mark हो गया ना क्यों की इससे शादी क्योंकि यहाँ पर उस लड़की के टैलेंट को समझने वाला था एक व्यक्ति था जो उस उससे हार सकता है तो जो उस व्यक्ति सच में प्रेम करता है वो हार भी जाएगा वो सॉरी भी बोलेगा है ना ऐसे सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर ये यह लड़की को बहुत बेस्ट चॉइस मिल गई थी क्योंकि एक आदमी था जिसने अपनी गलती को मान लिया कि हाँ मेरे अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स थी मेरी ये गलती है कि तुमने मुझे हरा दिया तो उस लड़की ने कहा कि जो सबके सामने स्वीकार कर सकता है कि वो मैं मैं उससे अच्छी हूँ और वो थोड़ा कम है उसने थोड़ा अच्छा सीटी नहीं बजाया तो फिर तो ये तो व्यक्ति कितना अच्छा होगा ठीक है तो ये स्टोरी थी अब इसके कुछ वर्ड्स देख लीजिए Uh, स्वयंवर आपको बता दें चूजिंग अ हस्बैंड ग्रीव्ड दुखी होना एक्सपीरियंस और दुख भरा फीलिंग हानी डॉल भी सैडली है मॉर्नफुली दुख के साथ प्रोक्लेम का मतलब अनाउंस कर देना जैम का मतलब है क्राउडेड कर देना जाम लग जाना कर्फ्यू लग जाना एक्नॉलेज एक्नोलेज नॉलेज छुपा है इसमें तो इसका मतलब है कुछ चीज सही है इसको मान लेना बीटन डिफीटेड हरा देना रोड मेड अ लॉन्ग डीप साउंड जोर जोर से चिल्ला के बोलना शेर की तरह दहाड़ के चलिए अब स्टोरीज के बारे में देख लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही होगा कि होम डिड द प्रिंसेस चूज हर हसबेंड एंड वाइफ हजबेंड किसको चूज करती है प्रिंसेस और क्यों सो शी आस्ट एवरी वन दैट यू डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन क्योंकि वो सबको कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें हरा दिया एवरी वन से मैन हुस सो शी चूज हर हिम ही हैड एक्सेप्टेड हिज शॉर्ट कमिंग्स तो इस चीज को आप अगर पढ़ लेंगे ना तो काफी आप आंसर लिख सकते हैं एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ द गिटार प्लेयर एंड स्वयंबर आर टेकन फ्रॉम द बुक फेमिनिस्ट फेबल्स इन दीज स्टोरी शी फोकस ऑन द कंस कौन है यहाँ पे राइटर राइटर का नाम क्या बताया था मैंने सुनीति नाम जोशी तो ये जो राइटर है वो फोकस करती है रोशनी डालती है कंडीशन ऑफ वूमेन तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि वुमेन की कंडीशन ऑफ वुमेन इन द पेट्रीआरकअल सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान समाज जिसमें पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है अधिक she raises her voice against gender inequality. gender inequality मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का लड़की है ये लड़की है को अपने समाज में होता है ये कि भाई लड़का है तो इसको ज़्यादा दूध डाल दो लड़की को कम डाल दो या लड़के को अच्छे स्कूल में डाल देते हैं लड़कियों को थोड़ा कम अच्छे स्कूल में डालते हैं ऐसा होता है तो ये जेंडर इनक्वालिटी और को बताती हैं और स्ट्रेस द फैक्ट दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी और कहती है कि लेडीज़ को भी अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए दी स्टोरीज़ आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग ये स्टोरीज़ बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है प्रोवोक मतलब जगाना हाईली रेलिवेंट टू द कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी हमारे जो आज का समाज है भारतीय समाज इसको भी ये काफ़ी हद तक आ, आ, इस ऐसी स्टोरीज काफ़ी हमें शिक्षा देती है द स्टोरी अब यहाँ स्टोरी पे आते हैं द गिटार प्लेयर डेपिक्स अ गर्ल हु वॉन्ट्स हर टैलेंट स्किल अब ये आंसर आप ये आप चीज़ आंसर में भी लिख सकते हो जब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर इसमें से आप ये आंसर लिख सकते हो द गिटार प्लेयर डेपिक्स अ गर्ल हु वॉन्ट्स हर टैलेंट स्किल एंड आर्ट दैट शी पोजेस कि उसका टैलेंट स्किल और आर्ट जो वो पजेस करती जो उसमें है टू बी ग्रेटली वैल्यू उसकी वैल्यू की जाए रिकग्नाइज उसकी वो पहचान मिले उसके टैलेंट को एंड गिवन इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस भी मिले और जो स्टोरी स्वयंबर है ये आप ये याद कर लीजिएगा बेटा ये आप किसी भी आंसर में लिख सकते हैं अगर इस चैप्टर में आ जाए द स्टोरी स्वयंबर इज़ अबाउट वुमेन्स फ्रीडम स्वयंबर है कि वुमेंस को भी थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलना चाहिए क्या हो गया सिटी बजाती थी तो एंड फोकस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट ऑफ रूल असाइन टू वुमेन इंडियन सोसाइटी कि इंडियन सोसाइटी में कि ये कुछ चीज़ें बता दी है कि ये तो औरतों को ही करना है ये आदमी को ही करना है जैसे बच्चों को पालना है तो लेडीज ही पालेगी आदमी ये नहीं करेगा कुछ भी आदमी सिर्फ बाहर जाकर काम करेगा तो कुछ रूल बना दिया ये सिटी बजाना तो लड़के बजा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बट लड़की कैसे सिटी बजा लेगी सो सो एंड द सोसाइटी आर अनहैप्पी तो ये कुछ रूल्स हैं है ना अगर इन रूल्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर फ्रीडम मांग लेती है लड़कियाँ तो सोसाइटी जो है अनहैप्पी हो जाती है मैन थिंक दम सेल्फ टू बी सुपीरियर मैन जो भी पुरुष है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं वुमेन डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देय डिफीट हाउ एवर अ वमेन लाइक्स टू चूज़ अ कंपेनियन लेकिन औरतें लड़कियाँ भी चाहती है कि अपना साथी वो खुद चुने हु बिलीव्स इन जेंडर इन इक्वेलिटी जिसमें जो है एक दूसरे को समान समझे लड़का लड़की जब शादी हो तो लड़की भी ये चाहती है कि उसको भी उतनी ही सम्मान दिया जाए जितना कि उसके हस्बैंड को उसके जो टैलेंट हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाए और अगर पुरुष में कोई कमी है तो उसको वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझ में ये कमी है ठीक है तो वो ये स्टोरी है मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और और भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आई डेफिनेटली आंसर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द इंग्लिश बल्क